हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो आप बी ए सेमेस्टर फस्ट की ऑक्सफोर्ड ग्रामर है जी आप कर रहे थे। सो इस तो पिछली वीडियो के आप जी अपनी एक्सरसाइज नंबर है 89 है जी आप की सी, तो हूँ आप इस वीडियो के जोड़ा अपना टैसट है टैसट नंबर 15। सो आप करा जी अपनी एक्सरसाइज नंबर 90 है 90 वो तुम छड़ सकते हो बिल्कुल, उस दे विच्चों एग्जाम दे विच्चों बहुत ही घट आउंदा है बल्कि आउंदा ही नहीं। सो जिहड़ी 90 नंबर एक्सरसाइज है वह आपां छड़ांगे, 89 एक्सरसाइज तो बाद आपां सीधा जिहड़ा अपना टैसट है 15 नंबर अपना टैसट वह करांगे, जिस दे विच आपां नूं 83 तो लैके 90 तक जिन्नियां भी आपां एक्सरसाइज कीतियां मतलब जो रूल्स अप्लाई होए उहनां दे विच वह सारे ही आपां नूं इस अपने टैसट दे विच देखन नूं मिलणगे। और अगे जिहड़ा अपना यह टैसट है इस टैसट का भी आपां अगे सिर्फ अपना 15B है जिहड़ा ये पार्ट करांगे, ओनली 15B, बाकी तुसी सारा जिहड़ा यह टैसट है वह छड्ड सकदे हो, क्योंकि आपां सिर्फ उन्ना ही पार्ट करांगे जिन्ना आपां नूं एग्जाम दे विच आवेगा ते हुण तक आया। सो ज़्यादा एक्सट्रा करन दी जरूरत नहीं, सिर्फ जिन्ना मैं करवा रहा इस टैसट दे विच्चों सिर्फ 15B है जिहड़ा अपना ए पार्ट करो बाकी छड़ दो। सो देखो 15 जिहड़ा बी है इस दे विच आपां की करना है, डिसाइड विच वर्ड और वर्ड्स आर करैक्ट। आपां नूं ए सेंटेंस दिते हुए ने और नीचे आपां नूं तीन तीन ऑप्शनस ने जिहड़ियां, हर एक सेंटेंस दीआं तीन ऑप्शनस ने जिहड़ियां आपां नूं ओह दित्तियां ने, आपां ने करैक्ट ऑप्शन है जिहड़ी ओह चूज़ करके ब्लैंक दे विच इत्थे आपां प्रोस नूं फिल करना है। सो देखो आपां पिछे जिहड़े ये रूल्स ने सारे जिन्ने भी इहदे विच अप्लाई हो रहे ने वह सारे ही आपां 83 तो लैके 90 जिहड़ी 89 ला लो आपां कह लो आपां सारे ही उन्हां एक्सरसाइज दे विच ये रूल्स ने जिहड़े आपां कर चुके हैं। सो देखो अपनी ऑक्सफोर्ड के उपर जिहड़ा बनाया हुआ सब तो पहला आई थिंक दैट इज़, सो आपने अ फुल जिहड़ा मतलब ये तो लगाना ही लगाना, सो आपने कहना है आई थिंक दैट इज़ अ फुल थिंग टू से, मतलब कहना भी ये कहना एक मूर्खता भरी गल होगी, मतलब कोई गलबात हो रही है भी ये गल कहनी मूर्खता भरी गल होगी। देखो अपन लगे है अ फुल, देखो ये तो बिल्कुल ही रोंग है क्योंकि अ फुल बॉबल साउंड है अ फुल आड़े तो, इसलिए अ का आप यूज़ नहीं कर सकते, एन का यूज़ कर सकते और अ फुल कला। हुण देखो आप यूज़ करना है या फिर ए यूज़ करना है, देखो अपने को डैश तो बाद थिंग मतलब अपने कोल जिहड़ा नाउन है अपने कोल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिहड़ा थिंग ये अपना वर्ड है जिहड़ा ये नाउन है ये अपने कोल हैगा, इसलिए आपां इस तो पहला एडजेक्टिव तो पहला आपां अ या एन का यूज़ करांगे, मतलब कि आप आर्टिकल का यूज़ करांगे। सो अ फुल दे नाल आपां अ का यूज़ नहीं करांगे, कॉन्सोनेंट साउंड है, एन का यूज़ करांगे क्योंकि वॉबल साउंड है, इसलिए इत्थे जिहड़ी अपनी करैक्ट जिहड़ी ऑप्शन है वह आएगी एन अ फुल। अपनी ऑक्सफोर्ड के उपर आपां नूं इह बनिया भी होया एन अ फुल थिंग टू से। देखो फस्ट देखो जूडी गोज़ टू डैश मतलब वर्क आऊगा, जूडी गोज़ टू वर्क ऑन द बस मतलब वह काम के उपर बस के उपर जाती है, ऑप्शन ने अपने कोल वर्क अ वर्क या फिर द वर्क, जिहड़ी अपनी एक्सरसाइज है देखो इस दे सामने हर एक सेंटेंस के सामने मैं ये लिखा जिदा कि लिखा 87B, मतलब कि जिहड़ा ये सेंटेंस है आपां नूं जिहड़ी अपनी एक्सरसाइज नंबर 87 है उस दे विच जो रूल है वह अप्लाई होगा इस दे विच। जे तुसी 87 दा बी जिहड़ा देखोगे सामने आपां नूं दित्ता हुंदा उस दे विच ये रूल्स ने जिहड़े वो लिखे होणगे। हुण उत्थे आपां नूं 87 एक्सरसाइज दे विच एक चीज़ दसी गई है कि आपां जिहड़ा वर्क है वर्क का सिर्फ आपां यूज़ करदे आं एट वर्क गो टू वर्क या फिर लीव वर्क, मतलब कि उस तो पहला आपां अ एन या फिर द दा यूज़ आपां नहीं करदे, बट जेकर आपां कम नाल संबंधित किसी होर जगह की गल करते हैं फिर आप द का यूज़ करते हैं, जिदा कि देखो द फैक्टरी फैक्टरी दे विच देखो कम करते हैं तो उसनों द फैक्टरी बोलांगे द ऑफिस बोलांगे। सो इसलिए वर्क दे नाल आपां अ एंड द दे विचों कुछ भी यूज़ नहीं करांगे, इसलिए सिर्फ वर्क इत्थे सिर्फ आएगा वर्क, जूडी गोज़ टू वर्क ऑन द बस, बस के उपर कम के उपर जाती है। सैकेंड देखो आई डोंट नो
ਵਟ ਟੂ ਡੂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਇਟ ਅ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਮਤਲਬ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ 89 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਅਰਲੀ, ਵੈਰੀ ਫੇਅਰਲੀ ਰੀਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ ਜਾਂ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੁਆਇਟ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਇਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ ਕੁਆਇਟ, ਅ ਜਾਂ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਆਇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 89 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ ਕੁਆਇਟ ਅ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੁਆਇਟ ਅ ਡਿਫੀਕਲਟ, ਕੁਆਇਟ ਅ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਡੈਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਲਫ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਪੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਫ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਖੇਡ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਫ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ ਐਨ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਅ ਟੈਨਿਸ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 86 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੋਲਫ, ਸਿਰਫ ਆਏਗਾ ਗੋਲਫ। ਗੋਲਫ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਸਪੋਰਟ, ਗੋਲਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ ਡੈਸ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟਸ ਐਟ 9 o'clock, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ 9 o'clock ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ 87 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, 87 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 9 o'clock, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 9 o'clock ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 9 o'clock ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 5 km ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9 o'clock ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ ਐਂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਏਗਾ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟਸ ਐਟ 9 o'clock, ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਗਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫੋਰਥ ਦਾ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਫਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਵੀ ਹੈਡ ਡੈਸ਼ ਟਾਈਮ ਐਟ ਦਾ ਡਿਸਕੋ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ 89 ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰੀਅਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ, ਅ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲੀ ਅ ਨਾਈਸ। ਆਪਾਂ 89 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰਲੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅ ਜਾਂ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਇਟ ਹੈ ਕੁਆਇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਰੀਅਲੀ ਅਤੇ ਫੇਅਰਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ, ਅ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਸਿਕਸਥ, ਨੀਗਲ ਓਪਨਡ ਅ ਡਰਾਇਰ, ਡਰਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਿਗਲ ਨੇ, ਐਂਡ ਟੁੱਕ ਆਊਟ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਟੋਜ਼,
अ फोटोज सम फोटोज। देखो अपने को प्लूरल नाम है, ये अपना प्लूरल नाम तो पहला सम का यूज करांगे, अपना अ या एन का यूज तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि प्लूरल नाम है, इसलिए अपन इस तो पहला सम है जरा सम फोटोज आप इतने अपना करैक्ट आ गया सम फोटोज, क्योंकि कॉन्टेबल है अपना सॉरी कॉन्टेबल प्लूरल नाम आ गया इतने अपना 85 जी आप एक्सरसाइज है उस दे विच कीता है। सैवंथ देखो डिड यू लर्न टू प्ले डैश वायोलीन अ वायोलीन या फिर द वायोलीन। आप 86 एक्सरसाइज दे विच कीता है कि आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होवे उस तो पहला आप द दा यूज करते हैं, इसलिए आप वायोलीन द वायोलीन जरा आप इतने यूज करा। अगला देखो अठवां वी कांट फिनिश द रेस्ट ऑफ द ब्रेड फॉर डैश ब्रेकफास्ट अ ब्रेकफास्ट द ब्रेकफास्ट। देखो इतने खाने की गल हो रही है, वैसे भी आप ब्रेकफास्ट लंच अते डिनर इन्हों तो पहला आप आर्टिकल का यूज आ जरा नहीं करते, आप सिंपली ब्रेकफास्ट है जरा लिखा, आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप इस तरह लिखते हूँ, यह गल याद रखना तो सिर्फ ब्रेकफास्ट आप लिखा ब्रेकफास्ट यह आ जाएगा ब्रेकफास्ट। 84 अपनी एक्सरसाइज है जी उस रूल्स ने। नाइन्थ देखो वाइल आई वॉज इन हॉस्पिटल जो मैं हस्पताल दे विच सीगा दे गेव मी डैश मतलब कि एक्सरे अ एक्सरे या फिर एन एक्सरे। देखो एक्सरे है जो एक नाउन है काउंटेबल नाउन है तो इतने सिंगुलर नाउन की गल हो रही है इसलिए आप इस तो पहला आर्टिकल का यूज करा, बट एक्सरे जेकर एक्सरे देखो आप आड़े तो लिखा एक्सरे मतलब बॉबल साउंड है तो बॉबल साउंड तो पहला आप एन का यूज करा अ का यूज नहीं करा, इसलिए इतने आ जाएगा अपना एन एक्सरे। सो इसलिए आप इस लिखा एन एक्सरे। तो अगे टेंथ एग्जाम्पल देखो अपनी आई माइट लिसन टू डैश मतलब कि रेडियो। आप देखो 86 एक्सरसाइज के आप देखा सी कि आप जो टीवी देखते हाँ आप सिंपली बोलते हैं वॉच टेलीविजन, बट जेकर आप रेडियो के उपर कुछ सुन रहे हाँ तो आप द रेडियो है जोड़ा वो यूज करते हैं, इसलिए इतने आप द रेडियो ये एग्जैक्ट आएगा द रेडियो ये अपना एग्जैक्ट बन गया। अगला देखो इलेवंथ वी नीड टू प्रोटेक्ट सानू प्रोटेक्ट करने की जरूरत है किस चीज़ नू मतलब इनवायरमेंट इनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन पोल्यूशन तो साडा जिहड़ा इनवायरमेंट है उसनू प्रोटेक्ट करने की जरूरत है सानू। हुण देखो जिहड़ा ये आ गया इनवायरमेंट सम इनवायरमेंट तो आ ही नहीं सकता है ना अनकाउंटेबल है कल्ला इनवायरमेंट भी नहीं आपां कहा सी कि जिहड़ियां चीज़ां इकलौतियां हुंदियां ने है ना जिस तरह की स्काई हो गया सन हो गया मून हो गया इस तरह इनवायरमेंट हो गया या वैदर हो गया इन्हां नाल आपां द दा यूज़ ही करदे हां इसलिए आपां द इनवायरमेंट द इनवायरमेंट ये करैक्ट आ गया द इनवायरमेंट। अगला देखो अपना लास्ट वाई डू दे ऑलवेज प्ले डैश म्यूजिक। देखो अपन ऑप्शन है सो टैरिबल सच टैरिबल सच अ टैरिबल। हुण देखो आप इत्थे किस चीज़ का यूज़ करांगे सब तो पहला देखो अपने को सो अते सच दे विच डिफरेंस आप कित्थे सो का यूज़ करना है और कित्थे सच है जिहड़ा उसका यूज़ करना है। देखो जिहड़ा सो है जेकर होवे बी मतलब बी दी फॉर्म मतलब इज एम आर होवे या फिर वॉज वर या फिर डू डज या फिर बी होवे तां उस तो बाद आपां सो दा यूज़ करदे हां उस तो बाद प्लस एडजेक्टिव होवे सिर्फ, बट जेकर स्ट्रक्चर ये बनता है ठीक है सच उस तो बाद प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल नाउन होवे मतलब कि प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन प्लस एडजेक्टिव। देखो इस तरह ही जिहड़ा अपना ए वाला है ए वाला जो अपना स्ट्रक्चर है जेकर आप इतने देखो सच लिख दें सच टैरिबल म्यूजिक। देखो जो म्यूजिक है ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया इन दो हो गया अनकाउंटेबल नाउन जो टैरिबल है ये हो गया एडजेक्टिव उस तो अगे अपना हो गया सच। सो ये बिल्कुल करैक्ट है इसलिए आप इतने कहेंगे सच टैरिबल म्यूजिक। सो इस तरह अपना जोड़ा ये टैसट है 15B
ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 15ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।